सारी भड़ास निकाल ही लूं कम से कम। डिजायर को वैन बनाने के चक्कर में हो रहा है। राजस्थानियों को तो नदी दिख गई। बहुत बड़ी चीज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 4:50 और आज हम जा रहे हैं मांडन लेक व्यू। लोकेशन ही नहीं आ रही मेरे में तो। इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? वाईफाई छूट गया। घर से निकलते ही ना ये दिक्कत होती है। डेटा भी होता है। हाँ, ऑफ ही रखती हूँ मैं। हम जा रहे हैं मांडन लेक व्यू, नर्मदा पे है ये। और वडोदरा से वन डे पिकनिक टाइप है, मॉर्निंग पिकनिक टाइप भी कह सकते हो। और ये डिस्टेंस है 109 किलोमीटर। हमारे घर से ये 111 पड़ रहा था। हम 109 टाइम 2 hours 10 मिनट। 2 घंटे लगेंगे, मतलब रास्ता वैसा ठीक-ठीक। 2 घंटे से फालतू लगेगा क्योंकि पहले हम वृंदा को पिक करेंगे, फिर हम रजत नहीं संजू। हाँ, अगर इंसान जाना चाहे तो हमारी लोकेशन स्टेशन के पास है, तो मिड वडोदरा से सेंटर। हाँ, सेंटर से 111 किलोमीटर है। और उसी के जस्ट बगल में ना छोटू बीच करके भी था समथिंग, मैंने देखा था। नर्मदा भी जाने का मेरा चॉइस पता क्यों है? हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे ना नर्मदा में दिवेर पे। नींद आ रही है क्या आपको? नहीं, नहीं, नहीं। तो ये लड़खड़ा क्यों रहे हो? तो वहाँ पानी बहुत बढ़िया था एकदम, ऐसा स्टार्टिंग में ना हम लोग माही नदी जाते थे बहुत, रसलपुर आपने देखे होंगे व्लॉग्स। तो उसमें ना पता नहीं यहाँ के पानी में कुछ केमिकल है जो रेड रेड टाइप, ना हमारी सारी टंकियाँ भी ना बाहर से रेड हो रखी है, जैसे जंग खा गई हो प्लास्टिक की टंकियाँ। और एक बार तो हम लोग सिंग रोड जब गए थे, तो मैं मुझे पत्थर लाने का हर कहीं से बहुत शौक है। सिंग रोड माही का पार्ट है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग ना पत्थर मैंने टी शर्ट पे ऐसे उठाए थे, और जहाँ मैंने उठाया था ना मेरी पूरी टी शर्ट वहाँ से रेड हो गई और छोटे छोटे छेद हो गए उसमें। तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल था उस पत्थर के नीचे, और जहाँ पत्थर के आसपास जितने भी कपड़े टच हुए ना वो सारे जल गए थे, छोटे 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 छेद हो गए थे उसमें। तो और हम माही में जब जाते थे स्टार्टिंग में, तो अपन ऐसा होता था ना कि वापस आए हैं तो पूरा थकान हो रही है बहुत ज्यादा। एक तो फ्लो का भी रीजन हो, हमने सोचा कि हो सकता है ज्यादा देर पानी में इस चक्कर में हो गया। ये हो सकता है क्योंकि ना हम दो दो तीन तीन घंटे पानी में रहते थे। हाँ, भरी दोपहर ही हो गई है, निकल ही नहीं रहे, क्योंकि आपका तो पता नहीं, राजस्थानियों को तो नदी दिख गई। बहुत बड़ी चीज है। और माही का ना फ्लो बहुत तेज है, तो हम लोग एकदम फ्लो पे बैठ जाते थे। और नर्मदा बहुत एकदम आराम से शांत टाइप है। नहीं, फ्लो नर्मदा का भी सही था। नहीं यार, रसलपुर में जो फ्लो अपन बैठते थे उस पे, वो थोड़ा सा और पत्थर से जाता है ना, तो तेज लगता ही है। हाँ, तो उस चक्कर में भी उसका भी फर्क हो सकता है। वैसे मुझे नर्मदा का पानी बहुत अच्छा लगा, एकदम गंगा का पार्ट टू मिनी वर्जन फील आई। गंगा का जो पानी है ना, जैसे ऋषिकेश या देहरादून में आप देखेंगे तो वो एकदम पहाड़ों से आया, तो थोड़ा सा चिल टाइप का। हाँ, ठंडे गर्म का फर्क था, बाकी वो फील वैसा ही था पानी का, वो ऐसे पता नहीं यहाँ पे गुनगुना टाइप था। तो उसमें मजा बहुत आया। हाँ, मंदिर आ ली या वॉक कर रहे हैं ये। अब हम जा रहे हैं डिविजन, वडोदरा डिविजन जो DRM ऑफिस है जहाँ पे। हम 6 लोग हैं, 3 कपल, और हम कोशिश करेंगे कि एक गाड़ी में इस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। रात को करे थे, मैं दिखाऊंगी। डिजायर को वैन बनाने के चक्कर में हो रहा है। घूमने जाएंगे 6 लोग और गाड़ी है 5 सीटर। छठे बंदे का एडजस्टमेंट करने की कोशिश चल रही है। इस वाले एरिया में स्टूल लगा के उस पे सोफे का गद्दा रख के इक्वल कर लिया हमने। अब वहां पे कल नवीन को बिठाएंगे। अरे मैं इधर देखता हूँ और क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। गाड़ी में जाना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पर
दो लोग दूसरी गाड़ी में जाएं उससे अच्छा तो ठीक ही है। तो क्या करोगे? अच्छा अगर ये भी कर लेते हैं ऐसा, वैसा ये नहीं बैठ सकते। बहुत कम जगह में बैठेगा जो अगला बैठेगा ये ना कहीं बात बात भी नहीं कर पाएगा यार, कोई सोचेगा ये पागल हो गए रात को 12 बजे गाड़ी में बैठ बैठ के देख रहे पीछे लिटरली गाड़ी में सबसे आगे हो जाएंगे जैसे केरला में मैं देख रही थी ना उचक उचक के, इसकी पोजीशन ही वैसी हो जाएगी। नहीं बस ऐसे कोई दिक्कत चल तेरा ऑप्शन दे देंगे कि चूज कर लो भाई, चूज कर लो खाना। देखा ना घुटने बिड़ रहे नहीं ये इसमें है क्लियरेंस, ये वाला बिड़ रहा है। तो क्यों आपकी छोटे बड़े हैं क्या? थोड़ा ऐसे कर सकते हैं बीच बीच में ऐसे अगर थोड़ा सा लगेगी नहीं हो। मैं तो अपनी जगह बुक कर लिया, ये तकिया लगा लिया। एक और रख लो मेरे साथ। तकिया? तकिया नहीं, गद्दा। गद्दा? ठीक है। हाँ। मुझे ऐसी फील आ रही है उस गद्दे पे मैं ही बैठी मिलूंगी बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल सिर्फ एक कहाँ फंसा दिया सिर्फ एक जने सही कह रही थी मेरे को नहीं जाना पर कल ऐसे बुरा नहीं लगेगा किसी को भी क्योंकि कल सबका कटेगा गाड़ी इस हिसाब के एडजस्टमेंट में गाड़ी आप चला नहीं पाओगे। मैं? हाँ। अरे तुम यहाँ बैठो और पीछे अगर कोई आ जाता है, कोई नहीं आ पाएगा, तो अपन ही आएंगे इस वाली एडजस्टेड सीट पे, तो संजू का भी कटेगा, उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी। संजू को तो वैसे भी चलानी पड़ेगी, दो जाएगी। हाँ। एक जाने पे तो वो बच सकता था ना, फिर पूजा को आप आगे बिठाओगे तो वो सोचेगी साला कहाँ फंस गई इन लोगों आप और मैं तो ऐसे बैठ ही रहे। वृंदा रजत थोड़े बेनिफिट में रह सकते हैं, दिक्कत यहाँ पे और आगे है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, तुम्हें नहीं है ना यहाँ दिक्कत? नहीं मुझे दिक्कत नहीं है यहाँ। आ जाओ चलो भी यार, अब सोना भी है, सुबह 4 बजे उठ के निकलना है। गाड़ी में से सैंडल क्यों निकाले आपने? अरे स्पेस कंस्ट्रेंट है ये, कहीं अड़ते डोलेंगे कल। गाड़ी में मैक्सिमम टाइम मेरे सैंडल और जूते परमानेंट रहते, कहीं पे भी जाओ ना अचानक जूतों की नीड फील हो जाती है अचानक। क्या वो टाइट वाला उठा लो, उसकी जरूरत नहीं है, उठा लो पतले वाला ले लेंगे। यार बुक से स्पेस वो हो रहा है क्या? वहां पढ़ने का मन कर गया मेरा तो। दो गाड़ी हो जाती है तो फिर ऐसे हो जाएगा, एक कपल को अलग से दूसरी गाड़ी में रहना पड़ेगा, तो उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। अर्टिगा का जुगाड़ रहता हो ही नहीं पाया ना। और देखो मैं कितनी आगे सोता रह गया मैं कल दिन में, नहीं तो फिर कर लेता ऐसा कोई दिक्कत। मैं उठाती ना तो बहुत रिस्की काम है वो। एक दिन मैंने नवीन ने मुझे कहा कि कॉफी पियेंगे, यार मैं कॉफी बना के लाई जब तक नवीन सो गया था, तो मैंने उसे उठाया तो ऐसे ऐसे करे मैंने छोड़ दिया फिर, और फिर उठ के मुझे कहता है कि यार मुझे सपना आ रहा था कि तू मुझे आज भी उठा रही थी मैं क्या बोलूं कि मैं सच में उठा रही थी मैं कितनी आगे बैठी हूँ आप कितने पीछे, देखो सीट का डिफरेंस यहाँ रह गई मेरे। ऐसे ऐसे कोई बैठेगा यहाँ बंदा आज?
मैं तो कंफर्टेबली बैठी हूँ। मतलब तुमने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली कि इसमें 6 एडजस्ट करके चलेंगे। यार इसमें ना थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, जो कपल अकेला पीछे अकेले गाड़ी में आ रहा होगा ना, उससे ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा इससे। उसको वहाँ सिर्फ ट्रिप पे मिलेंगे, वहाँ पे रास्ते में तो बेचारा है। नॉर्मली ना हम नहाने जाते हैं ना कहीं, तो ऐसे हम लोग जाते हैं जैसे नवीन जा रहा है ना शॉर्ट्स में टी शर्ट में, बट ये लेक व्यू पे ना मैंने फोटोज देखी नहीं किसी की नहाने की, तो मैं एकदम फुल ऐसे कि डिस्टर्बेंस आ गए गाय आ गई थी गाड़ी के आके एकदम ब्रेक मारे। यहाँ तो मैं एकदम तैयार होके जा रही हूँ कि अगर फुल ऑन पिकनिक टाइप हम बैठे चटाई वटाई लगा के, तो मेरी एटलीस्ट फोटोज अच्छी हैं। चट्टों में फोटो अच्छी नहीं आती है, देखना मेरी फोटो कितनी अच्छी अच्छी आएंगी। ठीक है, मेरी ज्यादा अच्छी आएंगी, लेट्स सी। चट्टों में बहुत हो गई है यार, जहाँ जाते ही नदी में ऐसे ही लोट बांट रहे होते हैं। विजन दिखाती हूँ मैं, ये है प्रताप नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे एक मिनी छोटी ट्रेन खड़ी है। ये कौन सा इंजन है, स्टीम इंजन वाली खड़ी है? नहीं, डीजल ही था, बट वो थोड़ा नैरो गेज वाली। नैरो गेज वाली। यहाँ से हम जाएंगे तो डीआरएम सर का ऑफिस आएगा और ये स्ट्रेट कॉलोनी में जाता है। 44 पे चले थे, 54 पे पहुंच गए 10 मिनट में, और दोपहर या शाम को तो आराम से 30 मिनट 35 मिनट मिनिमम। हाँ, वो भी तब जब आपकी किस्मत अच्छी है। यार क्या काफी लोग जगे हुए हैं, क्या कर रही हैं इतने लोग जाके? घूमना फिरना एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट पोस्टिंग मैं भी जब सुबह जल्दी उठा करूंगा। ओके, कर लो कॉल, कर लो। हेलो, आ गए हम बाहर, आ जाओ। दिखाना कैसे कैसे फंसे हुए। सबसे वीआईपी सीट पे तो नवीन ही बैठा है। तू खुद अच्छा पिछले को क्यों आगे होके बैठी? मैं आगे होके बैठी हूँ, बहुत ज्यादा रूपी गोदी में ये भी है। ये तो बेहो को देखो, बेहो चाहिए पहले। ये सीट ऐसे लग रही एकदम बिना गर्दन की। वो ना हाँ। ठीक रहता है, क्लोज क्लोज सा फील नहीं होता ये हटाने का। हां, जित फोटो की फोटो खींच जरा भी होगी काउंटिंग तो आ जाए। आ रही बैठो तो सही। अच्छा, आपकी सीट पे मेरा सामान रखा था इसलिए कह रहे थे जल्दी आ जा। गंदा देखना, वो पानी गिरता हुआ दिख रहा है। रुको नवीन, मेरे फोन को ट्रेस कर लेना। सारे पैसेंजर उतर गए क्या? ताकि वहाँ बाबा के पास पानी भरा ना, सूखा पड़ा रहता है। हम तीनों के अंदर तो कितना 50-50 किलो वेट होगा।
एनी कमेंट्स वृंदा? वृंदा बोले कि पहले से पता फोटो ले रही है, वीडियो बना रही है। हमें नहीं बता रही तू क्या कर रही, तुम बोलते रहते हो। ये भी घूमने जा रहे हैं और वो सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम ओवरलोडेड हो गए। कहीं और जाएंगे ना? नहीं, दिवेर तो बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ तो हर वीकेंड चले जाओ। टेंट लग सकते हैं। नहीं, दिवेर की बजाय यहाँ थोड़ी प्राइवेसी सी रहेगी। मुझे गाड़ी सीखनी है तो यहाँ आराम से सीख सकते हैं। गाड़ी सीखो जिसको ड्राइविंग सीखनी सीख सकते हैं। यहाँ भी लगा सकते हो नवीन, है ना? हाँ, यहाँ लगा दो, इस तरफ ये ले लो, चाहे इसी में ले लो। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, फॉरेन की शूटिंग लोकेशन पर गया। सीरियसली यार, ये तो वाकई में बहुत बढ़िया। देखना एकदम से ना नवीन, एकदम से डेड एंड ना हो। तू तो है हमारी, तू तो कैमरा ऑन रखती है हमेशा वैसे भी। बस शुरू हो जाए एक्टिंग अपनी सारी। ओह वाओ, पता है हम यहां बोटिंग होती है, नीचे मत पहुंचना। बस नवीन, गाड़ी खुला देते हैं। बस यही रहता है भैया, फिर हम बोटिंग कर रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी खुला देते हैं, डर लगाएंगे गाड़ी। सारी भड़ास निकाल ही लूं कम से कम। आप जाओ प्रिपेयर होकर, बोले आज मन नहीं फिट, कोई तो फिट तो जिम करने थोड़े बने या तो ये इसको बाहर खाना खिलाने ले जाती तो बाहर होटल पे जाती है, या कूटती है, नहीं ले जाता तो कूटती है। वैसे मेरे को भी एक मिल जाती है। क्यों? कुटाई नहीं होगी, सब हिसाब लिया जाएगा। कुटाई नहीं होगी, सब कुछ करेंगे हम शाम को, बात करेंगे, सारा हिसाब किया जाएगा। आज बैठक बैठेगी, पंचायत लगाएगी।
वैसे तुम पंचायती देख रहे हो ना आजकल? रोटी खा के खाना पसंद साथ कर लो पन्नी वन्नी बांध के मुझे लग रहा है उसके पास है नहीं वो लाइफ जैकेट तो तैरने के लिए होती है ये है तो सही मैं गई ना दंडी गई
फोन भी पड़ा है। आ रही आ रही सांस रोक के तैर रही थी मुंह भीतर करके। हाँ अंडर वॉटर एकदम। सांस थोड़ी रोकना होता है यार।
पागल हो गया तुम, गर्दन ऊपर है उसमें तैरना बोल यार, ये भी टेक्निक होती है आप कितने सांस रोक के तैर सकते हो अपना, ये लोग गए बना बुनू के बस बना दिए रोटी चलो यार इनकी नाव ले चलते ऐसे हाल्टी फाल्टी मार के ऐसे ऐसे
नवीन थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। क्या ले सैंडविच या कैमरा? कैमरा नवीन कैमरा लेगा। यार जैम भी है, जैम वाला भी खाएंगे। सुबह 3 बजे लगी हुई थी, फर्जी वाले होते हैं। पता अगर वो वाले बनाते ना तो उसमें खीरे वीरे का जूस पानी वाले निकलते हैं, वो रहता है। देखो हमने बचपन में ये वाले सैंडविच समझ के खाया ना ऋतु। अरे रजत ले यार, मिस्टर एंड मिसेस रजत। वैसे मैंने ऑलरेडी शेजवान मंगा रखा है इसमें। पता हम लोग कल याद कर रहे थे रात में, रील रील बना रही है। कल हम सोच रहे थे पता है, कल कुछ ऐसा प्लान होता ना तो हमारा फैमिली चिकन बनाया था, मतलब पाइथन अच्छा बना था। कल मैंने कढ़ाई में ही बनाया था मसाला वसाला सब, घर पे बना के अच्छे से। नेक्स्ट टाइम एक जैम हो जाता फिर ये हो जाता। जैम का मान के लें, घर का बना हुआ चिकन अच्छा लगता है आपको? खूब अच्छा लगता है। बस आज बना देते हैं चिकन, रिपीट पूजा रिपीट। पूजा कहिए सॉरी मेरे मुंह से निकल गई। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं, अब मैंने खुद को समर्पित कर दिया ना इस आदमी को, क्योंकि ये भी सुनता तो है नहीं। मजे आ गए यार, कल ने बस तो 2 मिनट में हो गया। अरे पता इतनी प्रैक्टिस हो रखी है ना मेरी। मैं एक और ले लूं पकड़ ले लो रखियो इसको मारो। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ जाना था ये बताओ? इधर उधर घुमा रहे हो, यहीं की यहीं घुमा दिया। हवा बहुत तेज है।
नहीं कहते, तो उसका नाम बदल जाता है। मैं आपको वो मैं समझ गई, सोनीपत वाला टाइप ना, जो हेलीकॉप्टर शेप में नहीं रहता, लोहे लोहे एंगल से जुड़े रहते हैं। आप ग्लाइडर की बात करो। अच्छा तभी तो कह रही हूँ थोड़ा सा। क्या डर लग रहा तो बैठ जाओ भैया, इनको भी ले लो। 12:30 बज गए। ये धीरे धीरे ना ओरिजिनली हो जाएगी मेरी टैन वाली, क्योंकि यार थोड़े दिन में जैसे ही ठीक होती है वापस। ये इकलौता पक्का घर है, नहीं छोटे छोटे और भी हैं। ये देखो कितना छोटा घर है इसका ना, गेट वैसा ही था वो कोने वाले का, जैसे दमन में छोटे छोटे। ये मिट्टी वाले बच पाते होंगे गर्मी से तो। पर इन्होंने बाढ़ पूरी बना ली। बाढ़ क्यों बना ली इन्होंने? अब लोग आने लग गए होंगे बहुत ज्यादा बाहर के इस चक्कर में। बिफोर हमारा बिफोर आफ्टर दिखा दूं। एकदम रजत सोके, सबसे ज्यादा मैं और रजत लग रहे हैं। गंदा भी कोई असर नहीं पड़ा। गंदा का सारा असर मैंने ले लिया।